आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स से पहले हम लोग पहले देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। इसके पहले भी हम लोग दो वीडियो अध्ययन कर चुके हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो उसी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड में ही हम एक पार्ट थर्ड न्यूक्लियोसाइड का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हैं पेंटोज सुगर जिसको हम बोलते हैं पेंटोस सरकरा, पेंटोस सरकरा किससे, नाइट्रोजिनस बेस, इसको हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजनी क्षार। दोनों आपका एक बंद से, एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसका नाम है यन ग्लाइको सिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड से दोनों के जुड़े होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंटोस सुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। देखिए तो कैसे बॉन्ड बनता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये तो पहले आपका पेंटोस सरकरा है, क्या है पेंटोस सरकरा, यहाँ पे OH H फर्स्ट कार्बन है, H OH सेकेंड प्राइम फर्स्ट प्राइम, H OH एक थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन H CH2OH ये फाइव कार्बन फिफ्थ कार्बन। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इसी का OH और नाइट्रोजिनस बेस आप देखेंगे ये प्यूरी नाइट्रो, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका है प्यूरी एडनीन, क्या है एडनीन नाइट्रोजिनस बेस है। ठीक, यहाँ पे आप जानते हैं यन होता है और एच होता है, ठीक, इस पे नाइन मेंबर होता है एडनीन, ये ए है मान लीजिए एडनीन है, तो इसकी नंबरिंग अगर आप देखेंगे ठीक तो ये आपका सिक्स होगा और ये नाइन पोजीशन और शुगर का वन, देखिए शुगर का वन और नाइट्रोजिनस क्षार जो प्यूरीन है उसका नाइन, पिरिमिडीन का वन। इसे अगर मान लीजिए क्या है पेंटोज सुगर है, राइबोज है, जैसे ये राइबोज है ठीक, और क्या होगा आपका ये प्यूरीन से, अगर प्यूरीन यहाँ पे जैसे एडनीन और ग्वानीन अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे, इसका वन और इसका नाइन।
इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर पेंटो राइबोज या तो डी ऑक्सीराइबोज दोनों से अगर पायरिमिडीन, अगर यह नाइट्रोजिनस बेस से आपका थायमीन, साइटोसिन या यूरेसिल है, तो ये इसका हमेशा राइबोज का वन यही रहेगा और पिरिमिडीन का वन, इनके इनके बीच में बांड बनेगा और इसी दोनों बांड को क्या बोलते हैं, यंग ग्लाइकोसिडिक बांड। ठीक है, तो मतलब पेंटोस शर्करा या तो वही राइबोज इसका वन है और प्यूरिन का नाइन, अगर पिरिमिडीन है तो उसका वन बाइंड करते हैं और यंग ग्लाइकोसिडिक बांड बनाते हैं। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, फिर अब यहाँ से इसका एच और इसका ओ एच, ठीक, यहाँ से क्या होगा आपका, ये बाहर निकल गया जस्ट टू, फिर क्या बनेगा आपका ये आपका एच है, यहाँ पे एच ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ठीक, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ, इसमें प्राइम लगा देते हैं। बताए थे कि नाइट्रोजिनस बेस में भी नंबरिंग होती है, इसमें भी नंबरिंग होती है, तो दोनों में संदेह ना हो इसको दूर करने के लिए जो शुगर पे नंबरिंग होती है उस पर प्राइम डैश लगा देते हैं। फिर देखिए यहीं पे ये एडनीन, कौन एडनीन का नाइन, ठीक, नाइट्रोजनस क्षार है और इसका वन, दोनों के बीच में यही कौन सा बांड बन गया, यन ग्लाइकोसिडिक बांड। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, राइबोज, ये क्या है, एडनीन नाइट्रोजनस क्षार है, ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन, ये है हो गया आपका एडिनोसिन। देखिए एडिनोसिन और एडनीन, ये या एडनीन है और ये एडिनोसिन, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक, और एडनीन जो है नाइट्रोजिनस बेस है, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, जैसे अगर हम देखें इसका नाम क्लेचर राइबोज, ये राइबोज है, ठीक, यही हम देखते हैं नीचे, तो देखिए इसको हम डाल देंगे नामेन क्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का नामकरण, न्यूक्लियोसाइड का नाम करण, चलिए देखते हैं न्यूक्लियोसाइड का नामकरण कैसे करते हैं हम। जैसे देखिए पहले, जैसे मान लीजिए हम आरएनए में देखते हैं, आरएनए डीएनए में अलग होगा क्योंकि ये राइबोज होता है आरएनए में, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है, तो हम पहले आरएनए के केस के लिए देखते हैं आरएनए, ठीक, तो इसमें हम पहले सीरियल नंबर एक में लिख देते हैं, इसमें पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, ठीक, दूसरे केस में दूसरे लाइन में लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस कौन है, क्षार, वही नाइट्रोजिनी क्षार, ठीक, तो नाम क्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, एक कलम और बनाते हैं हम, नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, ठीक, देखिए तो पहला हम क्या दे रहे हैं, आरएनए के केस के लिए, आरएनए के पेंटोज वगैरह क्या होता है,
राइबोज है मान लीजिए, ठीक, और राइबोज है और नाइट्रोजिनस क्षार कौन है, एडनिन अगर जुड़ रहा है, एडनिन, तो इसका नाम एडनिन, इसका नाम क्या हो गया, एडिनोसिन। एडिनोसिन, ये एडिनोसिन हो गया, ठीक। इस तरह से आइए सेकेंड केस, अगर मान लीजिए ये तो राइबोज होगा, आरएनए में राइबोज ही होगा, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ एडिनिन की जगह पे क्या है, ग्वानिन, ग्वानिन, तो इसका न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। देखिए ग्वानोसिन जो है न्यूक्लियोसाइड है और ग्वानिन जो है नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है, दोनों में अंतर है, पूछा है एनसीईआरटी में। तीसरा, अगर राइबोस शर्करा है और यहाँ पे एडिनिन की जगह पे अगर साइटोसिन है, साइटोसिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का साइटिडीन, साइटोडीन, साइटिडीन, साइटिडीन हो जाएगा आपका। फिर चौथा केस, शुगर आरएनए में क्या होगा, राइबोज, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ थायमिन होगा ना, थायमिन नहीं होगा क्योंकि ये आरएनए है, आरएनए में यूरेसिल होता है, यूरेसिल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का यूरिडीन, यूरिडीन हो गया आपका, ठीक। इस तरह से इसका आप न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, ये सब क्या है आपके न्यूक्लियोसाइड, जबकि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन, यूरेसिन नाइट्रोजिनस बेस, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड, दोनों अंतर दे देगा एक ही में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी ऐसे हैं, अब पूछ देगा कौन न्यूक्लियोसाइड है, कौन आपका न्यूक्लियोटाइड है। फिर ग्वानिन आपका नाइट्रोजिनस बेस है, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह से अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे एक केस एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हम डीएनए के केस को देखें, डीएनए में, ठीक, डीएनए के केस में अगर देखेंगे आप, ठीक, इसको हम हटा देते हैं आपका, अगर हम डीएनए ले रहे हैं तो पेंटोस शुगर जानते हैं, डीएनए की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज, ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज, ठीक, और यहाँ पे वो हट जाएगा, इसको हम शुगर क्या ले रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है, डीएनए के केस में। अगर मान लीजिए यही पे फिर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज, ठीक, अगर यहाँ ग्वानिन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी क्या है, डीऑक्सी राइबोज, ये क्या है, साइटोसिन, इसका क्या नाम हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन, ठीक। अगर मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ यूरेसिल नहीं होगा क्योंकि डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल की जगह पे थायमिन होता है, देखिए थायमिन, और यहाँ पे शुगर क्या होगा, ये डी ऑक्सी राइबोज, तो क्या हो जाएगा आपका, ये डी ऑक्सी थायमिन डी, ठीक।
ये आपका डीएनए में सब न्यूक्लियोसाइड पाए जाएंगे, ठीक है, डी ऑक्सीडनोसिन, डी ऑक्सीगोनोसिन, डी ऑक्सीसाइटिडिन, डी ऑक्सीथायमिडिन, ये आपका क्या है कि ये सब डीएनए आरएनए में डिफरेंस है। अभी तक आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोसाइड्स किसके बने होते हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के, दोनों किस बांड से बने होते हैं, यंग ग्लाइकोसिडिक बांड से, और ये बांड किसके किसके बीच में बनता है, पेंटोज शुगर के हमेशा वन से, और प्यूरिन अगर नाइट्रोजिनस क्षार है तो उसके 9 से, अगर पिरिमिडिन है तो उसके 1 से ये बांड बनता है। और हम न्यूक्लियोसाइड और का नॉमेनक्लेचर भी अभी देखे हैं इस वीडियो में। जैसे हम अगर दोनों पढ़ा देंगे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड एक ही वीडियो में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अभी स्टडी करेंगे।